किसान आंदोलन के कारण प्रभावित हुई गाड़ियों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में रेल प्रशासन लंबी दूरी के लिए पैसेंजर को देखते हुए अलग से ट्रेन भी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ है। सीनियर DCM नवीन कुमार का कहना है कि आज भी 1857 रेलगाड़ियां इसलिए आंदोलन से प्रभावित हुई हैं, जिसमें 341 मेल एक्सप्रेस व 412 पैसेंजर ट्रेन रद्द की जा चुकी है व कुछ ट्रेन के रूट बदले गए हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल किया गया है और कुछ को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे आने वाले समय में स्कूलों की छुट्टियां हैं तो जरूरत पड़ी तो लंबी दूरी की गाड़ी अंबाला से चलाएंगे। उन्होंने यात्रियों से अपील भी की है कि वे घर से निकलने से पहले रेलवे का नंबर है 139, इस पर अपनी गाड़ी देख कर ही स्टेशन आए ताकि कोई परेशानी ना हो। देखिए, आज सुबह 6 बजे तक लगभग 1660 गाड़ियां प्रभावित हो चुकी हैं, जिसमें 753 ट्रेनें कैंसल्ड हैं और 757 ट्रेनें डाइवर्ट हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 150+ ट्रेनें जो हैं वो शॉर्ट ओरिजिनेट और शॉर्ट टर्मिनेट होके चली हैं। इसके अलावा 196 फ्रेट ट्रेन भी है, मालगाड़ी, जिसे हमें डाइवर्ट करके या कंट्रोल करके चलाना पड़ा है। तो अभी तक टोटल रिपरकशन जो है 1857 1857 गाड़ियाँ भी प्रभावित हुई हैं। अभी बताया जैसे आपको, टोटल मेल एक्सप्रेस 1237 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें इफेक्ट हुई हैं और 424 पैसेंजर ट्रेनें इफेक्ट। पैसेंजर ट्रेनें 412 गाड़ियाँ कैंसिल हैं और मेल एक्सप्रेस 341 कैंसिल है। देखिए, पैसेंजर्स को तो हम रेगुलर थ्रू सोशल मीडिया, इसके अलावा जो हमारा PRS का बल्क SMS सिस्टम है, इसके थ्रू हम मैसेज भेज रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं कि वो ट्रेनों का टाइम देख के ही स्टेशन पे आए। इसके अलावा कुछ गाड़ियां जरूर है कि सिंगल लाइन सेक्शन में चलने के कारण देरी से चल रही हैं, तो पैसेंजर इनकन्वीनियंस थोड़ा हो रहा है। वहीं गर्मी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में ट्रेन के घंटों लेट आने पर लोगों को स्टेशन पर ही इंतजार करना पड़ रहा है। साथ ही स्टेशन पर लोगों को सोते हुए देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि वे स्टेशन पर कल से बैठे हैं। इंक्वायरी पर बताया जाता है कि 2 घंटे लेट है, 2 घंटे बाद भी यही जवाब मिलता है, ऐसे करते हुए कल से यहाँ बैठे हैं, लेकिन ट्रेन का अभी तक कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा कि वे खुद एक किसान हैं, लेकिन वे नहीं चाहते कि लोगों को परेशानी हो। वे कल से यहाँ पर बैठे, उनका जाना जरूरी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे जाएं। आए थे कुछ जरूरी काम से, फिर वापस जाना है, तो वही ट्रेन का इंतजार हो रहा है, अभी तक आया नहीं। कल से हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं ट्रेन का। कब से बैठे हो आप स्टेशन में? कल रात से। क्या बताया जा रहा है ट्रेन के बारे में? अपडेटेड ठीक से नहीं हो पा रही है, कभी लेट से, जहाँ से खुलना था वहीं से लेट से खुली है ट्रेन, फिर बीच बीच में धीरे धीरे रुक रुक के आ रही है, इस वजह से अभी तक पहुँची नहीं। कारण बताया जा रहा है आपको, क्यों लेट हो गई? कारण तो कुछ नहीं बताया जा रहा, उधर से कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम होगा, इस वजह से लेट हो रही है। अभी तो जाके इंक्वायरी में पूछा गया तो बोले कि अब थोड़ी देर में आ जाएगा। परेशानी तो होती है बच्चों के साथ में, लेकिन अपने परेशानी आदमी किसको बयां करेगा, खुद ही झेलना पड़ेगा। हाँ, रूपा शाह, हम लोग झारखंड से हैं। हम लोग को रिटर्न झारखंड ही जानी है, लेकिन हम लोग कल रात 12-13 घंटे हो गए बैठे हुए हैं, अभी तक छोटे छोटे बच्चे हैं, दिक्कत आ रही है, ना सोने की जगह है, रात से जगे हुए हैं, अब ट्रेन आएगी, इंक्वायरी मिल नहीं रही है, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। बताया जा रहा है कि क्यों ट्रेन कुछ ये इसका अपडेट कुछ नहीं है, कहाँ ट्रेन है वो भी नहीं पता चल रही है, ट्रेन का रूट चेंज कर दिया गया है, जहाँ से हम लोग को लेना था वहाँ से ट्रेन मिली नहीं, फिर हम लोग को अंबाला आना पड़ा, जिस कारण हमको बहुत परेशानी हो। अंबाला गेट देखो, कहाँ जाना? किशनगंज। क्या प्रॉब्लम है आपको, ट्रेन क्या बता रहा है? ट्रेन लेट बता रहा है 4-5 घंटे, पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है अभी। तो क्यों लेट बता रहा है आपको, कोई मैसेज है? अभी ये मैसेज नहीं बता रहा है कि क्यों लेट है नहीं है, ये कहने को हम परेशानी हो रही है। हाँ, परेशानी तो हो रही है। बच्चों के साथ कैसे, क्या क्या परेशानी है? परेशानी लेट बता रहा है गाड़ी, सुबह से अभी कुछ खाया पिया नहीं हूँ, 3-4 घंटे बैठे हूँ, तो उसके बाद अब कब आएगी नहीं आएगी गाड़ी, क्या उसका कोई गारंटी नहीं, नहीं भी आ सकता है आ भी सकता है, यही परेशानी है। न्यूज़ डेस्क, एनवल लाइव।